नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। लगता है पाकिस्तान ने कसम खा ली है कि वो कंगाल हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन भारत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। लेकिन इस अकड़ में पाकिस्तान ये भूल जाता है कि इससे भारत की आर्थिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, मगर पाकिस्तान की हालत जरूर खस्ता हो जाएगी। ये बात इमरान खान भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के डर से वो बार बार ना चाहते हुए भी कश्मीर का राग अलापने को मजबूर। अब क्रिकेट के प्रसार को ही ले लीजिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड जा रही है मैच खेलने, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान के लोग अपनी ही टीम का मैच अपने देश में नहीं देख पाएंगे, वो भी सिर्फ पाकिस्तान सरकार की अकड़ की वजह से। दरअसल दक्षिण एशिया में क्रिकेट मैचों के प्रसारण का अधिकार भारतीय ब्रॉडकास्टर्स कंपनी स्टार एंड एशिया के पास है। अब ऐसे में प्रसारण के लिए भारतीय कंपनी के पास जाने में पाकिस्तान शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसीलिए उसने भारत के कश्मीर पाकिस्तान कैबिनेट में मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच आगामी क्रिकेट सीरीज के सीधे प्रसारण के लिए भारतीय कंपनी के साथ अनुबंध के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी ने सरकार से मैचों के प्रसारण के लिए स्टार और सोनी से करार पर हस्ताक्षर की मांग की थी, लेकिन कैबिनेट ने इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के प्रसारण के लिए स्टार और सोनी से करार के पीटीवी के आग्रह को ठुकरा दिया। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भारत के साथ रिश्ते 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई को पलटने पर निर्भर करेंगे। जब तक उस कार्रवाई को वापस नहीं लिया जाता, तब तक भारत के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, स्टार और सोनी का दक्षिण एशिया के सभी क्रिकेट सामग्री पर एकाधिकार है, और भारतीय कंपनी के साथ करार नहीं होने की स्थिति में पाकिस्तान में सीरीज का प्रसारण नहीं किया जाएगा। सरकार इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और अन्य विदेशी कंपनियों से प्रसारण अधिकार हासिल करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। इमरान सरकार भारतीय ब्रॉडकास्टर्स से सौदा नहीं करके पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती है कि ये सरकार कश्मीर के मसले को लेकर अभी भी गंभीर, और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि भारत कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू करे, तभी बातचीत का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन इमरान सरकार शायद ये भूल गई है कि जब तुर्की, मलेशिया, चीन को साथ लेकर कश्मीर पर पाकिस्तान ने चिल पोंकी, तब तो भारत सरकार ने एक नहीं सुनी, तो अब भला पाकिस्तान की ये घीदड़ भपकी भारत क्यों सुनेगा। भारत ने तो पहले से ही संकल्प लिया है कि जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हमारा होगा, फिर ऐसे में बार बार कश्मीर का राग अलापना पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्रिकेट प्रसारण के बीच कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान बस अपनी आवाम को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे, नहीं तो ये बात खुद सूचना मंत्री फवाद चौधरी कह चुके हैं कि मैच का प्रसारण नहीं होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टेलीविजन को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें, जिस सीरीज के प्रसारण के लिए पाकिस्तान ने इतना हंगामा मचाया, ये सीरीज इंग्लैंड में 8 जुलाई से शुरू हो रही।